वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो। अगर आप रिसर्च हैं तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में होंगे जहां पर ना सिर्फ आपके रिसर्च पेपर की प्रोफेशनल एकेडमिक एडिटिंग हो सके, वहां पर आपने जो अपने पेपर के अंदर डाटा यूज किया है, जो साइटेशंस यूज की हैं, उनकी हेल्थ को चेक हो सके। इधर दी साइटेशंस आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर पेपर, और जर्नल्स इस तरह की साइटेशन वाले पेपर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, आपको एक पूरा ब्रीफ रिव्यू उसके ऊपर मिल सके, और आपके पेपर की AI डिटेक्शन और प्लेजरिज्म विद मल्टीपल अदर फीचर्स भी चेक हो रहे हों। और दिस AI डिटेक्शन एंड प्लेजरिज्म वाज पावर्ड बाय टर्निटन सॉफ्टवेयर, जो कि लेजिटिमेट और ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर कंसीडर किया जाता है इन एकेडेमिया टू चेक द प्लेजरिज्म एंड AI डिटेक्शन। अब आपका पेपर जो कि एकेडेमिक टोन में आ चुका हुआ है, जिसकी साइटेशन और उसके अंदर जो डाटा है उसकी हेल्थ भी चेक हो चुकी हुई है, उसकी प्लेजरिज्म AI डिटेक्शन भी चेक हो चुकी हुई है, और साथ साथ आपको ये सजेशन भी मिल सके कि आपके काम के साथ मोस्ट रिलेटेड जर्नल कौन से हैं, और आपको मल्टीपल फीचर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिससे आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि आपने कौन से जर्नल को सेलेक्ट करना है। So today we are going to explore that one platform जो कि आपको ये तमाम multiple features जो है provide कर रहा है। So stay tuned and watch the video till the end. You can find the link of this platform from the description box even, or you can go to the Google and write trinka.ai and you will get access to that. अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface नजर आएगा। आप इसको अपने Google या Gmail ID के साथ connect कर सकते हैं। इसके दो प्लान्स हैं, कुछ फीचर्स इसके ऐसे हैं जो कि आपको फ्री प्लान में अवेलेबल होंगे, और अगर आप अपने काम को ज्यादा प्रोफेशनल करना चाहते हैं और इन सारे फीचर्स के तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको अवेल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू बाय द प्रीमियम प्लान। तो इसके दोनों के ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। व्हेन वी सी द प्राइसिंग, तो वी कैन सी दैट इन अ फ्री प्लान यू हैव एन एक्सेस टू ऑल फीचर्स। 5000 वर्ड पर मंथ जो है उनकी आप एडिटिंग करवा सकते हैं, और वन फ्री प्लेजरिज्म चेक स्कोर पर मंथ जो है वो भी आपका हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट की प्लेजरिज्म भी आप चेक करवा सकते हैं, और 4 फ्री क्रेडिट्स होंगे फॉर प्लेजरिज्म चेक, ऑटो फाइल एडिट और आप जर्नल फाइंडर के लिए। इसके तो आप बीइंग अ स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड व्हेन यू हैव टू डू योर प्रोफेशनल वर्क और आपको एडिटिंग एंड सबमिशन की तरफ जाना है, देन यू कैन इवन बाय इट्स प्रीमियम प्लान, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है फॉर स्टूडेंट। अगर आप इसका ईयरली प्लान लेते हैं, मतलब साल में एक ही दफा पेमेंट करते हैं फॉर 12 मंथ्स, तो ये आपको बहुत ज्यादा चीपर पड़ेगा, यू विल कॉस्ट ओनली 6.67। और अगर आप इसका मंथली प्लान लेते हैं तो दैट विल बी $20 पर मंथ। तो जितने महीने आपको जरूरत है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको तब ले सकते हैं। अगर आप एकेडेमिया में हैं, फुल टाइम प्रोफेसर हैं, फुल टाइम रिसर्चर हैं, तो डेफिनेटली आप अपने रिसर्च ग्रुप के लिए, अगर आप इंस्टीट्यूट ऑनर हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑनर हैं, तो आप इसको अपने यूनिवर्सिटी के लिए ईयरली प्लान जो है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इसका प्रीमियम प्लान है, तो आई हैव 13 क्रेडिट्स। 13 क्रेडिट्स में हम देखेंगे कि हम इसकी जो है वो कौन कौन सी फीचर्स जो है उनको अवेल कर सकते हैं, कोर्स हम कौन कौन सी ले सकते हैं, साइटेशन चेक, प्लेजरिज्म चेक, जर्नल चेक, इसको हम वन बाय वन जो है वो करके देखेंगे। प्रूफ रीड आप अपने पेपर को करवा सकते हैं, ट्रिंका माई ड्राइव से भी ले सकते हैं, माई डिवाइस से आप अपने पेपर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। प्रूफ रीड प्रेफरेंसेस, आप ग्रामर चेक करना चाहते हैं, स्पेलिंग, राइटिंग एडवाइजर एनहांसमेंट करना चाहते हैं, आप कौन सी इंग्लिश जो है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। जिस तरह के जर्नल, जिस तरह का सब्जेक्ट एरिया है आपका, जिस तरह की आपको साइटेशन रिकमेंडेड होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ जर्नल, यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और एड अ सप्लीमेंट्री पेज विद द रिवीजन समरी भी एंड पे आपके पास आएगा, एंड शो एन एक्शनेबल सजेशंस ऑन द कमेंट्स। तो ये जब हम अप्लाई करेंगे और गेटिंग अप्लाइड सक्सेसफुली, तो स्टार्ट प्रूफ रीडिंग जो है हमारे पास इस पेपर का, हम इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सजेशंस आ चुकी हुई हैं। आपको यहाँ पर दा नहीं लगाना, आपको यहाँ पर थिंग्स की जरूरत नहीं है, डेफनेस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड इन द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड की बजाय वो कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, इट कैन बी चैलेंज फ्रॉम देम टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, गेट इन्फॉर्मेशन की बजाय ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, दिस कैन बी मेक देम फील लोनली एंड एक्सक्लूड, लेफ्ट आउट की बजाय एक्सक्लूडेड जो वर्ड है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज सिंस दे मोस्टली यूज साइन लैंग्वेज, बिकॉज दे मोस्टली यूज साइन लैंग्वेज, their way of thinking is unique. In this article we'll learn how about, so this is the grammar and all that check, sentence structure and all that जो कि हमने Trinka AI से चेक करवाया। यहाँ पर अगर वो खुद replace नहीं करता तो वो आपको suggestion देता है कि आप इस sentence का active voice है उसको passive voice में change कर दें, या वो ये कहता है कि consider reviewing or deleting the word depending on the context, such words are called hedge word and they are used to reduce the, if used unnecessary it can lessen the impact of your message, use words सच वर्ड सेलेक्टिवली, ठीक है। तो वो कहता है कि काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी को चेक प्रेजेंट करता है, तो इस तरह के वर्ड जो वो कहता है कि अगर आपको लगता है जो वो खुद रिमूव नहीं करता, वो आपको उसके बारे में सजेशन जरूर देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट की समरी है, जिसमें एब्रीवेशंस जो है उसकी रिविजन किस तरह से आई हुई है, प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स की एक है, प्रोपोजिशंस की 11 है, पंचुएशन की 6 है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट की 1 है, स्टाइल की 1 है, टेंस की 4 है और सेंटेक्स की 1 है। तो आपके पास एक
ब्रीफ समरी भी आ गई है और यहाँ पर उसने आपको एक रिवीजन समरी जो है वो भी दी है। और इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एडिटेबल डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड होता है जब आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज करते हैं। और आपके पास जब आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास जो फाइल डाउनलोड होती है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो व्हाट यू कैन यूज यू आप वहां की सजेशन को देखकर अपनी प्रीवियस जो ओरिजिनल फाइल है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मैनुअल चेंजेस, ठीक है। Then let's explore another very important and mind-blowing feature, that is the plagiarism check. Plagiarism check आपको तीन तरह के plagiarism checking के plans हैं इनके पास। Score only अगर आपको overall plagiarism score check करके बता सकता है, जो internet के जो sources हैं उनकी matching check करके बताएगा, match from paid publications जो हो चुकी हुई हैं जो कि open access नहीं हैं और उनकी चेकिंग यहाँ पर चेक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डाउनलेबल रिपोर्ट नहीं आप ले सकते, AI डिटेक्शन नहीं कर सकते, लिस्ट ऑफ टॉप मैच सोर्सेज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड चेक है जो कि पावर्ड बाय जो है वो टर्निटिन है और यहाँ पर आप उसको जो है यहाँ पर सारे फीचर चेक कर सकते हैं मैच फ्रॉम पेड पब्लिकेशन के सिवाय। अब AI कंटेंट डिटेक्शन जो हाईएस्ट क्वालिटी का है जिसमें आइथेंटिकेट उसको पावर्ड कर रहा है उसमें आपके 18 क्रेडिट्स चाहिए और उसमें आप AI डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम प्लान जो है वो चेक करते हैं बाय इसका मीडियम प्लान जो कि मोस्ट पॉपुलर है, पावर्ड बाय टर्निटिन है जो कि एकेडमिया में मोस्ट अथेंटिक कंसिडर होता है। एंड वी विल अपलोड द फाइल from device and we will generate this one plagiarism report. ये जी हमारी रिपोर्ट आ गई, 34% सिमिलरिटी डिटेक्टेड और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34% इंटरनेट मैचेस आए हैं, पेड पब्लिकेशन मैच इसका लॉक है, 116 वर्ड मैच विद द टॉप 3 रिसोर्सेज जो कि 25% जो पब आरसीएस से है, फिर 22% पब rcs.org से, क्योंकि मेरा प्रीवियस पेपर जो है वो भी आरएससी जनरल में पब्लिश हुआ था, पेपर जो है ये भी उसी काम से रिलेटेड है, उसकी एक्सटेंशन है। तो बहुत सारे इंट्रोडक्शन में और रिव्यू में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इन दोनों में कॉमन होंगी, इसलिए जो मेरा प्रीवियस पब्लिश्ड पेपर था ये उसके साथ सिमिलरिटी को इसने आइडेंटिफाई किया और वो कह रहा है कि उसके साथ आपका काम जो है वो सिमिलर है, ठीक है। हम साइटेशन चेक की तरफ आते हैं और हम ये देखते हैं कि साइटेशन चेक क्या है, आइडेंटिफाई वीक साइटेशन इन 3 सिंपल स्टेप्स। ऐसी साइटेशन जो कि जर्नल प्रेफर नहीं करते कि आपके पेपर में हो, जो बहुत ओल्ड डेटेड हैं या कोई ऐसे रिसोर्सेज से हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, उनकी कोई इतनी स्ट्रांग एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आपको अवॉइड करना इस तरह की साइटेशंस में। सबमिट फाइल करें, गेट फ्री स्कोर एंड रिपोर्ट और उसके बाद इम्प्रूव साइटेशन। अब यहाँ से हम अपनी फाइल जो है उसको अपलोड करते हैं। ये मेरा एक पुराना पेपर है जो कि अभी तक मैंने सबमिट नहीं करवाया, तो मैं इसकी साइटेशन को चेक करती हूँ। साइटेशन चेक इज इन प्रोग्रेस। अब अगर आपने इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आपको बाय रिपोर्ट फॉर 1 क्रेडिट, आपके पास फ्री क्रेडिट होंगे, अदरवाइज अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो आप उनको यूज भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट जो है उसको देख सकते हैं। वो आपसे फिर कंफर्म कर रहा है कि आप इसका एक क्रेडिट यूज करना चाहेंगे, यस। लेट्स सी कि हमें रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। जी यहाँ पर आपके पास रिट्रैक्ट जो है इसमें नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड ओल्ड कितने हैं, पुअरली साइटेड कितने हैं एंड गुड टू यूज कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा आ गया। एंड पब्लिश्ड लॉन्ग अगो को क्लिक करेंगे और ये वो वाले हैं जो कि लॉन्ग अगो पब्लिश हुए हुए थे और हमारे पास हमें इनको रिप्लेस करना चाहिए। ये सारी साइटेशन उसने आपके पेपर से आपको निकाल के दे दी है कि इनको आपको चेंज करने की जरूरत है। ये जो है इनका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर प्रॉपर रेफरेंस नहीं है, जनरल का नाम नहीं है और इनके स्टैंडर्ड जो है इन साइटेशंस का इतना अच्छा नहीं है, यू कैन रिप्लेस देम आल्सो। ये पोअरली साइटेड है, पोअरली साइटेशन में ये हो सकता है कि पोअरली साइटेड आर दोज विच आर नॉट बीन फ्रीक्वेंटली साइटेड बाय अदर ऑथर्स, assessed as less than 3 citation per year since publication. तो आपको ऐसे पेपर्स उठाने हैं जिनकी citations अच्छी हों, जिनको आपकी community में लोग पसंद कर रहे हों, आपके field of study में ज़्यादा cite कर रहे हों, ताकि आपके paper में भी वही citation आए और आपके काम की importance जो है उसका पता चले। So here you can replace these citation, आपके पास सारा data आ गया ऑफ योर साइटेशंस के आप किस तरह से कौन कौन सी साइटेशंस को रिमूव करने की जरूरत है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर पेपर। देन वी हैव टू एक्सप्लोर द लास्ट फीचर ऑफ द ट्रिंका AI एंड दैट इज द जर्नल फाइंडर। यहाँ पर आपने इसको टाइटल देना है पेपर का और उस पेपर के टाइटल के अकॉर्डिंग वो आपको सजेशंस देगा कि आप के लिए कौन सा जर्नल जो है वो सूटेबल है। तो यहाँ पर मैंने उसको टाइटल दिया एंड देन ट्रिंका AI इज गोइंग टू फाइंड द टॉप 5 जर्नल्स फॉर मी जो कि मेरे काम के साथ बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं और मेरे काम से रिलेटेड काम वहां पर पब्लिश हुआ है इन रिसेंट ईयर्स। उसका सारा डाटा वो हमें देगा। ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। जनरल फाइंडर आपको क्या करता है, टारगेटेड जनरल, जिस यहाँ पर आप टारगेटेड जनरल को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉलीमर के भी आगे बेंचमार्क जनरल्स हैं, ACS के, मॉलिक्यूल्स के, RCS एडवांसेस के, कैटेगरी वाइज जनरल हैं। तो आप जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे RCS में सबमिट करवाना है, तो फिर उसकी जो आपसे काम से रिलेटेड कैटेगरी जनरल होगी वो उसमें आपको रिकमेंड करेगा। इसी तरह आप जियोग्राफी के हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको किस कंट्री के जनरल में स्पेसिफिकली
देखना है, इंपैक्ट फैक्टर की रेंज भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, एज इंडेक्स को भी कर सकते हैं, साइड स्कोर भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, शो ओपन एक्सेस ओनली और हाइड प्रीडेटरी जर्नल्स। तो यहाँ पर ओपन एक्सेस जर्नल सिर्फ हमें शो हो रहे हैं, ये फाइव जर्नल्स की हमें यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है जिसमें जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड्स हैं। ये इसका इंपैक्ट फैक्टर है, ये इसका एच इंडेक्स है, ये इसका साइट स्कोर है और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, नदरलैंड का है। ये आप देख, मैं जब यहाँ पर सिमिलर आर्टिकल्स को क्लिक करूंगी तो मेरे पास डाटा आ जाएगा उन तमाम पेपर्स का जो कि मेरे काम से रिलेटेड थे और इस खास जर्नल में वो सबमिट हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग सेलुलर एनालिटिकल मेथड बाइनरी मिक्सचर, तो मैंने भी सेलुलर डिसॉल्वेशन को आयन लिक्विड में चेक किया तो ये उससे रिलेटेड काम है और मैं इस तरह से इसको चेक कर सकती हूँ कि सारे पेपर से गो थ्रू होके कि वाकई ही जो ये रिपोर्ट मुझे क्लेम कर रही है कि इसमें रिलेटेड पेपर सबमिट हुए हैं तो वाकई ही ऐसा है। इसी तरह जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ पर अगर आपको इसका एच इंडेक्स और इंपैक्ट फैक्टर नहीं दिया तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसका इंपैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है। द जनरल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बी का 3+ है, मेरा ख्याल है अब तो उससे ज्यादा होगा और यहां पर इसके 205 पेपर ऐसे हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं। एंड इन द सेम वे द लिस्ट गोज ऑन और आपके पास 5 बेहतरीन जनरल की जो है वो लिस्ट आ गई है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं द मोस्ट रिलेटेड जनरल, जो कि एक नए रिसर्चर के लिए और किसी भी रिसर्चर के लिए मुश्किल होता है नए से जनरल्स को फाइंड करना और उनको देखना और एवेलुएट करना और उनकी सारी हिस्ट्री को चेक करना। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिजल्ट्स कि आप किस तरह से आप अपने हिसाब का अपने पेपर के अपने काम के से रिलेटेड जो है वो रिसर्च जर्नल फाइंड कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग ट्रिंकाई व्हाट यू कैन डू, यू कैन एडिट योर डॉक्यूमेंट, यू कैन गेट रिपोर्ट्स, यू कैन डू द प्लैगरिज्म चेक, यू कैन डू द साइटेशन चेक और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जर्नल फाइंडर की ऑप्शन भी मिलती है। सो अ लॉट ऑफ प्रीमियम ऑप्शंस दिस सिंगल प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू प्रोवाइड यू, जो कि बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन कहीं पर भी अवेलेबल इस वक्त नहीं है। सो ट्रिंकाई AI इज द यूनिक वन जो कि आपको ये सारी फीचर्स ऑन वन प्लेस प्रोवाइड कर रहा है एंड उसके साथ साथ आपको मंथली बहुत सारे फ्री क्रेडिट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी फ्री सर्चेस मिल रही हैं। सो बी अ फ्रेंड ऑफ ट्रिंका AI और आप इसको अपने बीइंग अ रिसर्चर डेली लाइफ में यूज करें बिकॉज यहां से आपको बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ पर्सन हु इज इन एकेडेमिया एंड डूइंग अ रिसर्च ऑन डेली बेसिस बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फेलोज तक जरूर शेयर करें, अपने सीनियर्स तक जरूर शेयर करें, अपने रिसर्च ग्रुप्स में जरूर शेयर करें बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड योर फेलोज आल्सो। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। रिसीव इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।